So, you shot a video for your YouTube channel, then you edit it and export like we normally do, and then you publish it on YouTube. Now you are happy, but then few hours later, I think I should post on Instagram too. Then you take the video and post it on Instagram as well, but now it sucks. हाय गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आपको वो सीक्वेंस अच्छा लगा होगा। और सच्ची में आपको पसंद आया तो या लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ ड्रॉप योर फीडबैक्स। अगर अच्छा लगा तो फिर मैं अपनी आगे वाली वीडियोस में मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। एंड इन टुडेज़ वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू एक्सपोर्ट हाई क्वालिटी इंस्टाग्राम वीडियोज़। सो मैं आपको पहले बताता हूँ कि हाई क्वालिटी इंस्टाग्राम वीडियो का मतलब क्या है। सो जब भी हम अपनी कोई भी हमारे पास वीडियो होती है विच लाइक साइज मोर देन 50 और 60 MB, सो क्या होता है कि जब भी हम उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो उस पर कंप्रेशन अप्लाई होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ इंस्टाग्राम कंप्रेशन। जब भी आपके पास कोई वीडियो फाइल होती है जिसका साइज जो है 50 और 60 MB से ज़्यादा होता है, आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट फिगर्स बट येस 50-60 इसी के बीच में होता है, बट जब भी 50-60 से ज़्यादा हो जाता है और जब हम उसे अपलोड करते हैं तो इंस्टाग्राम उस पर अपना कंप्रेशन लगाता है। तो जब वो कंप्रेशन लगाता है विच रिजल्ट्स इनटू अ पिक्सलेटेड वीडियो। सो इंस्टाग्राम क्या करता है, उसे पिक्सलेटेड हो जाती है बहुत ही ज़्यादा वीडियो। सो और जब आप ये फीड में देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सो हम उसे अच्छा करने के लिए, उसे हाई क्वालिटी करने के लिए क्या करते हैं, जब भी हम वीडियो जो अपनी Adobe Premiere Pro में एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसके लिए डिफरेंट सेटिंग्स यूज़ करती हैं। तो डिफरेंट सेटिंग्स क्या होती है, जब अगर आपका 100 MB साइज़ है तो हम उसे कोशिश करते हैं कि वो 50 या 50 के अंडर ही जो है फाइल साइज जो है फिट हो जाए, और जितनी भी क्वालिटी है वो 50 MB के अंदर जो है फिट हो जाए। तो उससे क्या होता है कि इंस्टाग्राम अपना कंप्रेशन लगा नहीं पाता और वो हाई क्वालिटी अपलोड होती है इंस्टाग्राम पे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द सॉफ्टवेयर एंड आई एम गोना शो यू व्हाट आर दोस सेटिंग्स। सो गाइज आई हैव वन प्रोजेक्ट हेयर, मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है विच इज़ ऑफ 1 मिनट। ये 1 मिनट का एक पूरा सीक्वेंस है। सो फॉर द एक्सपोर्टिंग मैं क्या करूँगा, आई एम गोना प्रेस कंट्रोल प्लस एम ऑन माई कीबोर्ड। मैं कंट्रोल प्लस एम दबाऊँगा एंड उसके बाद ये पॉपअप आएगा। सो इस पॉपअप में हम जो सेटिंग्स करेंगे इंस्टाग्राम हाई क्वालिटी इंस्टाग्राम वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। सो पहले तो आप यहाँ पे जाएंगे प्रीसेट पे, यहाँ पे हाई बिट रेट पे आप सिलेक्ट रखना। ऊपर मेरे पास ऑलरेडी प्रीसेट प्री मेड है, तो फिर मैं एक और बार आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाना है अपना प्रीसेट, कैसे बनाओगे आप। सो यहाँ पे आपको प्रीसेट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी वीडियो फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं जो आपको एक्सपोर्ट में यूज़ करनी है। यहाँ से सपोज डाल लेता हूँ मैं टेस्टिंग IG एक्सपोर्ट। सो यहाँ पे जितनी भी ज़्यादा सेटिंग्स हैं हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, हमें बस कोशिश करनी है कि जो हमारा साइज़ है वो अंडर 50 MB हो। सो आई हैव दिस प्रोजेक्ट सर अभी 70 MB का ये प्रोजेक्ट, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके नीचे मैं आऊँगा। पहले तो मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इफेक्ट्स, वीडियो, ऑडियो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो में जाना है। वीडियो में जाके यहाँ पे रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, जब आप सेकंड लास्ट में आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बिटरेट सेटिंग। बिटरेट सेटिंग्स में आपका VBR 1+ पास होना चाहिए। यहाँ पे टारगेट बिटरेट है, टारगेट बिटरेट 10 MBPS, तो ये 10 है अभी, तो 10 की जगह हम 6 कर लेंगे, 6 या फिर आप 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, मेरा जो है 6 रहता है। बस दीज आर द टू सेटिंग जो आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आप ये भी सेटिंग ऑन कर सकते हो, यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, मैंने इसे भी चेक इन कर लिया है। बस ये हमारी 3 सेटिंग्स थी जो हमें चेंज करनी थी, और उसके बाद जैसे हमारी सेटिंग्स जो ऑलरेडी मतलब सब सेटअप हो जाता है, फिर आप यहाँ पे आना, फिर ये पूछेगा आप अपना जो है अपना प्रीसेट का नाम बना सकते हो, सपोज IG एक्सपोर्ट 2, मतलब मेरा तो 2 ही है, आप लोगों का 1 हुआ। सो सेव इफेक्ट सेटिंग्स ना करके आप सेव पब्लिश सेटिंग्स कर लेना एंड ओके। सो लो आप ऊपर देख रहे होगे यहाँ पे इंस्टाग्राम एक्सपोर्ट 2 आ गया। सो दैट मीन्स कि ये जो आपने सेटिंग्स अभी चेंजेस करते हैं वो अप्लाई हो गए एज अ प्रीसेट, आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हो जब भी आप इंस्टाग्राम की अपनी वीडियो अपलोड करने जा रहे हो, तो इस सेटिंग्स के साथ आप एक्सपोर्ट करना, फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देना। देख रहे होगे आप साइज जो है 43 MB हो गया, तो इट्स लेसर देन 50 MB विच इज़ गुड फॉर इंस्टाग्राम, फिर यहाँ पे आप इसे एक्सपोर्ट कर देना। तो यस गाइस, दीज आर द सेटिंग्स जो कि आपको इंस्टाग्राम में हाई क्वालिटी वीडियोस एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं।
एंड यू गाइस कैन यूज़ इट एनी टाइम, बस आपको अपना प्रीसेट सेलेक्ट करना है एंड दैट्स इट। आपकी इंस्टाग्राम की जो वीडियो होगी वो ऑलरेडी अच्छी हाई क्वालिटी में होगी, जब आप उसे इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करोगे तो पिक्सलेटेड नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। एंड बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमारी इंस्टाग्राम की वीडियोज़ जो है पिक्सलेटेड हो जाती है, आपकी बहुत क्लियर रहती है। तो दीज आर द सेटिंग जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने इंस्टाग्राम की वीडियोज़ के लिए, एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज हैव डन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको कुछ अब तक जितने भी मैंने वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स निकाले हैं कुछ सीखने को मिला हो। एंड बस अब ये वीडियो एडिटिंग की सीरीज यहीं पे ख़त्म करूँगा मैं, एंड कुछ जो अभी नई वीडियोज़ आएंगी उनमें भी मैं कुछ ट्यूटोरियल्स पर वीकली डालूंगा, अपलोड करूँगा। बट या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एडिटिंग सीरीज, आई होप यू गाइज हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, एंड या आई सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, पीस। चलो।